हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। जो अपना डेली लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर डिस्कस चल रहा था, मान तो लीजिए उसी का है ये। पिछले जो आपके स्थलों शहरों के नाम जो परिवर्तित किए गए हैं, उनके में बारे में जानेंगे और किस राज्य में कौन सी चीज है, कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और ये पार्ट्स में नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जीके जीएस और करेंट अफेयर से जुड़े टॉपिक 2019, एक प्लेलिस्ट बना रखी। तो इसमें छोटे छोटे जितने भी वीडियो होते हैं ये उसमें जाते हैं, ठीक है। और लास्ट का जो 6 मंथ का करेंट अफेयर आता है वो आपका आता है मंडे टू सैटरडे, ठीक, मंडे टू सैटरडे। संडे को नहीं, संडे को वहाँ छुट्टी रहती है, लेकिन आज मैं घर, मतलब आज मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो ही दे दिया जाए, जिससे कि आपको ये करंट अफेयर से भी है और जीएस का भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ध्यान रखें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि तभी आपको अगला आने वाला वीडियो मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ओके, चलो देखते। अच्छा देखिए, यहाँ पर है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ओडिशा में है झारसुगुड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यूं ही पूछ लिया जाएगा कि झारसुगुड़े हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र सवाई अड्डा हवाई अड्डा रख दिया गया है, ये किस राज्य में था? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई, ऐसे पूछ लेंगे, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा रख दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो भैया आपको ये भी बताना पड़ सकता है। तो ये किस राज्य में स्थित है? यहाँ तो ओडिशा लिखा हुआ है, तो देखिए ये आपका दिखा रहे हैं मैप में ओडिशा येलो कलर का, ये देखिए ये वाला भाग जो है, ये बाउंड्री जो है, ये ओडिशा की आएगी यहाँ से, ये ओडिशा में ये जितना भाग है यहाँ से, तो ये ओडिशा, ये देखिए ये आ गया ओडिशा का, समझ गए? तो ये किसका भाग काम कर रहा है? ये ओडिशा का काम कर रहा है। ओडिशा की राजधानी क्या है आप देख लीजिए, ओडिशा की राजधानी ये बनी हुई है, ओडिशा की राजधानी ये व्हाइट कलर है, हमने रेड कर दिया, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन गिनना, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो गई, ठीक है। झारसुगुड़े हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया? वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, ये रख दिया गया, ठीक है। ओके, फिर ये जो ओडिशा लिखा हुआ है, पहले इसका नाम था उड़ीसा, आपने पढ़ा होगा, पहले इसका नाम उड़ीसा आता था, अब ये ओडिशा हो गया। ये कब से हो गया? 2011 से ही ओडिशा का नाम इसमें चलने, ओडिशा चलने लगा। पहले ये उड़ीसा था, प्रमुख भाषा यहाँ उड़िया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है। और ये पांच बार लगातार सीएम रह चुके हैं, यहां पे जो इनकी पार्टी का नाम है, वो पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। इनकी पार्टी का क्या नाम है? बीजू जनता दल। इनके पिता का नाम था विजय पटनायक। क्या नाम था? विजय पटनायक के नाम से ही ये पार्टी चलती है, बीजू जनता दल। विजय पटनायक के लड़के हैं क्या? नवीन पटनायक, ठीक है, उन्हीं के नाम से ये पार्टी चलती है यहाँ पर, विजय पटनायक, ठीक है। चलिए अच्छा, और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे वो हो जाएंगे, उड़ीसा के जो गवर्नर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? गणेशी लाल। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं, गवर्नर उनका क्या नाम है? उनका नाम है गणेशी लाल। ये गवर्नर का नाम है उड़ीसा के, गवर्नर इस समय कौन है? उड़ीसी लाल, सीएम नवीन पटनायक है, ठीक है। चलिए अच्छा, उड़ीसा में ही चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। एक क्वेश्चन ये हो गया, आपसे पूछ लेंगे भाई चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है हीरा कुंड। अच्छा, ये चीज हम बता चुके, चिल्का झील नहीं बताई, ये आज एक्स्ट्रा जोड़े दे रहे हैं। हीरा कुंड बांध, ये हीरा कुंड बांध कहाँ है? ये भी उड़ीसा में। पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो बताएंगे महानदी पर है ये हीरा कुंड का बांध, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मंदिर है, पुरी जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, और यहीं पर यथ रथ
यात्रा निकाली जाती है, यथ जो है सॉरी रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ की पुरी में। फिर यहीं पर है लिंगराज मंदिर, और साथ ही साथ सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। पूछा जाता है कई बार सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सूर्य मंदिर बनवाया था राजा नरसिम्हन ने सूर्य मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर में सबसे पहले यहाँ पर किरणें जो है सूर्य मंदिर में पड़ती हैं उड़ीसा में, और उसी हिसाब से चलती हैं जिस हिसाब से टाइमिंग होती है वहां पर। चक्र बना है तो उसी के हिसाब से जितना बढ़ता है तो उतने बजे वो शो करता है। ठीक है, चलिए इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखना, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और उड़ीसा जो है मैप में भी हमने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो अगरतला हवाई अड्डे का नाम रखा गया है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, ये अगरतला हवाई अड्डे का नाम था, उसको चेंज कर दिया गया, अब रखा गया है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। तो ये कहाँ स्थित है अगरतला, तो आप देखो यहां पर ये लिखा हुआ है अगरतला। अगरतला राजधानी है किसकी, त्रिपुरा की। ये है त्रिपुरा आपका, ये त्रिपुरा है, यहां पर है त्रिपुरा की राजधानी हो गई क्या, अगरतला त्रिपुरा की। ठीक है, त्रिपुरा के सीएम आप ध्यान रखना है, त्रिपुरा के सीएम है विप्लब देव, विप्लब कुमार देव, उनका पूरा नाम है विप्लब कुमार देव यहाँ के क्या है सीएम है। यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बेस यहाँ के गवर्नर हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है अगरतला के बारे में, अगरतला की राजधानी जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इससे ऊपर आप देख लीजिए ये मेघालय है, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। ये पूरा जो इधर का क्षेत्र है ना, इधर का भारत का इंडिया मैप जो इधर वाला क्षेत्र है, इसको कहा जाता है सेवन सिस्टर। ये सेवन सिस्टर राज्य है। सेवन सिस्टर राज्य में अगर पूछा जाए कौन सा राज्य नहीं है, तो सेवन सिस्टर राज्य पहचान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटा नगर है। और यहाँ देखिए ये असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। और ये ऊपर नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ मणिपुर है, मणिपुर की इम्फाल हो गई। और ये देखो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गई। तो ये कई बार राजधानी भी आपसे पूछ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत, रीजनिंग में भी पूछ लेंगे है ना, तो कैसे भी पूछ सकते हैं यार, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सेवन सिस्टर राज्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 सेवन सिस्टर राज्य यहां पर कहे जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ये रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है, क्योंकि हाल ही में मृत्यु हुई है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई है। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है, जो पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इस बच्चे ने हमें इसका आंसर दिया था, उसका नाम भी शो करेंगे, उसका कमेंट भी शो कर देंगे। ठीक है, ओके करना। और ये कहाँ स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ये देखिए ये इतना बड़ा भाग जो है ये मध्य प्रदेश का है, ये यहां से ये वाला भाग जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश ये स्थापना से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इससे अलग हो गया छत्तीसगढ़। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप ध्यान रखना रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था वो नवंबर नवंबर 19 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इस प्रकार राजस्थान नंबर 1 पर है क्षेत्रफल में, और मध्य प्रदेश नंबर 2 है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान में वो है कमलनाथ। सीएम कौन है, कमलनाथ, सीएम कमलनाथ है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात कर लें तो यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन, गवर्नर है लाल
जी टंडन, ठीक है, गवर्नर है यहाँ के। मध्य प्रदेश के बारे में बहुत इतिहास है, आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खींचते हैं तो फिर हमारे हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा होने लगता है, आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती होगी, क्योंकि हमारा पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम, क्योंकि सभी स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, वैसे पढ़ना है, जिसका जितना मिल लगेगा तो भाई उसी हिसाब से, आप जानते हैं जो जितनी मेहनत करेगा भाई उसी हिसाब से सबको मिलता है, ठीक है। आस पड़ोसी राज्य भी देख लीजिए, जैसे उड़ीसा तो भी पहचान चुके हैं, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान की जयपुर है, और गुजरात की गांधीनगर है, अड़ोसी पड़ोसी भी देख लेना, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये मुंबई स्थित है, बिल्कुल समुद्र के किनारे है, ठीक है, इस प्रकार अपना देख सकते हैं। चलो नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है देवघर हवाई अड्डा, देवघर हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा रखा गया है। अटल बिहारी के नाम से काफी चीजें रखी गई हैं, हजरतगंज जो चौराहा था वो अटल चौक हो चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो हजरतगंज चौराहा था लखनऊ में वो अटल चौक के नाम से जाना जाता है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो था वो हजरतगंज पथ कहा जाता है, हजरतगंज पथ, पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, अब वो अटल पथ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हबीब रेलवे स्टेशन अभी हमने बताया तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। साहिबगंज हार्बर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर रख दिया गया है, ठीक है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखे थे वो टॉप 10 हमने यहाँ से उठा लिए जिनमें नाम चेंज हुए थे, और वही आगे हम नेक्स्ट पार्ट बनाते रहेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे, तो आप उनको देखते रहना, ठीक ठीक चलिए। तो ये देवघर हवाई अड्डा कहाँ, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा बना दिया गया, तो ये स्थित कहाँ है, ये झारखंड में स्थित है, तो ये देखो झारखंड है, झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, सीएम यहाँ के ध्यान रखो, झारखंड के सीएम है रघुवर दास, सीएम है रघुवर दास, झारखंड के जो सीएम है वो रघुवर दास हैं, ठीक है, यहाँ की गवर्नर जो है वो एक महिला है, वो थोड़ा उनका नाम टेढ़ा वेढ़ा था तो याद करने में समस्या थी, तो वो उसको हमने लिया नहीं, क्योंकि आप फिर उतना ध्यान नहीं रख पाते, सीएम इंपॉर्टेंट है, रघुवर दास आप ध्यान रखना, सीएम यहाँ के हैं झारखंड के रघुवर दास, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट राज्य भी है झारखंड, ऐसा कुछ नहीं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राज्य तो सारे इंपॉर्टेंट है, याद तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं याद हो जाता तो चीजें आसानी हो जाती हैं, रघुवर दास, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अटल सुरंग रख दी गई है, रोहतांग सुरंग का जो नाम बदलकर रखा गया है वो अटल सुरंग रखी गई है। हम आपको बता दें अटल का जन्म कब हुआ है और अटल की मृत्यु कब हुई है, ये चीज आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, हम अटल बिहारी वाजपेयी पर एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें उस ब्रीफ इंटो उनके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। ये रोहतांग सुरंग लगभग हिमाचल प्रदेश का में है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप देख लो शिमला है, व्हाइट कलर में ये शिमला है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के इस समय जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर, क्या नाम है उनका, जयराम ठाकुर सीएम है। गवर्नर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र गवर्नर है, जयराम ठाकुर क्या है सीएम है और गवर्नर है कलराज मिश्र, ये इतना आप ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश है और ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है, साथ ही साथ हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ होती है, दिल्ली की न्यू दिल्ली राजधानी हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी आप देख लीजिए पड़ोस में है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, ये देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया, कांडला बंदरगाह। अच्छा ये पूछ सकते हैं कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर, क्या होती है गांधीनगर होती है, गुजरात की राजधानी गांधी है, ठीक। अच्छा गुजरात के सीएम क्या है वो आप जान लीजिए, गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, क्या नाम है उनका, विजय
अच्छा ये चीज हम डेली बताते हैं तो आप तो याद तो हो ही गई होगी, विजय रूपाणी यहाँ के क्या है सीएम है, यहाँ पे जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, आचार्य देव व्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ये चीज ध्यान रखना। सीएम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विजय रूपाणी यहाँ के क्या है सीएम है गुजरात के, ठीक है, इतना आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दूर संचार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सीधे क्वेश्चन आएगा, दूर संचार आयोग का नाम बदलकर डिजिटल संचार रख दिया गया है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि दूर संचार का नाम बदलकर डिजिटल संचार रख दिया गया है, इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं, इतना काफी है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में जो तीन आइसलैंड के नाम बदले थे जब यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, आप यहाँ देखिए पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर यहाँ है, जब यहाँ पर मोदी जी पोर्ट ब्लेयर में आए थे तो उन्होंने तीन नाम चेंज किए थे, एक तो राष्ट्रद्वीप का नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, क्या नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये नाम देख सकते हैं, इन्होंने ही एक नारा दिया था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये पूछा जाता है ये किसने कहा था, तो ये इन्हीं ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, काफी मतलब टैलेंटेड व्यक्ति थे, इन्होंने ही आईसीएस की उस समय परीक्षा पास भी की थी, ठीक है, इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, साथ ही साथ इन्होंने वो परीक्षा की नहीं थी क्योंकि भारत को आज़ादी आज़ाद के हिसाब से उस समय चल रहा था माहौल आज़ादी का, आज़ादी मेन चीज थी क्योंकि हम लोग आज़ाद थे नहीं, उस हिसाब से कुछ भी हो जाए तो जो अपने जीवन की डोर थी वो सब अंग्रेजों के हाथों में थी, तो इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज सेना का जो कमांडर इन चीफ इन्हें ही बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। आप ये बताइएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है ये कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता देते हैं आपको हिंट के लिए, तो ये जो राज्य है जैसे ये ऊपर आता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये जो राज्य है पूरब और दक्षिण के इधर में आता है लगभग में, तो ये कौन सा राज्य आएगा, ठीक है, आप हमें हिंट बताना, और इनकी मृत्यु के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, इनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर में चलते हुए विमान से हुई थी, अब उनके मृत्यु के पता आज भी पता नहीं चल पाया, ये फाइल अभी भी दबी हुई है, इसके इनकी मृत्यु के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, कहा जाता है कि इनके केवल कपड़े मिले थे, ये उस एरोप्लेन से गायब हो गए थे लेकिन कहाँ गायब हुए ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, अभी तक आज तक ये रास का रास ही रहा है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलाक द्वीप, हैवलाक द्वीप यहीं पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही, पोर्ट ब्लेयर में तीन नाम चेंज किए थे उसमें एक हैवलाक द्वीप है, हैवलाक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप, क्या नाम है स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप, ठीक, हैवलाक द्वीप का क्या नाम है स्वराज द्वीप है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील द्वीप का क्या नाम है, नील द्वीप का नाम क्या रखा था, नील द्वीप का नाम रखा था शहीद द्वीप, शहीद दिवस कब मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है, तो ये आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी अंडमान निकोबार का हिस्सा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, वो आपके साथ डिस्कस किए गए, बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, करंट अफेयर जो भी है मैथ्स जो भी समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं एज ए फ्रेंड, ओके थैंक यू।